जो लोग अच्छी संगत करते हैं वो अच्छे लोग बनते हैं, महान पुरुष बनते हैं और उनका सदैव नाम होता है दुनिया में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन भर परोपकार में लगे रहते हैं, जीवन भर परोपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं और इसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनका वो अमर है। हमारे जैसे गांधी जी हैं, उसके पहले हमारे देश में ही स्वामी विवेकानंद हैं और परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, तो इन्होंने जीवन भर परोपकार किया, तो आज इसलिए उनका नाम अमर है। हमारे गुरुदेव ने परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने जीवन भर दूसरों का हित किया, दूसरों का कल्याण किया और इसी में अपना जीवन नेत्रदान, तरह तरह के दान, संबंधित संपन्न लोगों से करवाए और आज उनका नाम अमर। जिस तरह से और अनेक संत हुए हैं, जिन संतों ने आज अपने मार्गदर्शन किए हैं और परोपकार किए हैं, अर्थात वो ऐसे अच्छी संगत से ही बने। उन्होंने अच्छी संगत किया और अच्छी संगत के कारण आज उनका दुनिया में नाम अमर है। मरने के बाद भी आज वो अमर है। इसी तरह बच्चों हमेशा अच्छी संगत करना चाहिए तो बुरी संगत पड़ जाते हैं, उनकी आपके जीवन भर सुधारती नहीं होती। अगर बिगड़ा हुआ भी आदमी है तो अच्छी संगत कर लेता है, अच्छे लोगों के बीच बैठता है और उनकी बातें सुनता है, तो उसके दिमाग में फिर विकार दूर होने लगते हैं और अच्छे गुण सदगुण आने लगते हैं। जो दुर्गुण है वो दूर होते हैं, तो यही संगत का प्रभाव है। संगति मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है, ये इसका आकर्षणीय है। अच्छी संगति से हमें भगवान नहीं मिल सकते और हमें ये हमारे जो पूर्वज हैं, महान पुरुष हुए हैं, उनके कथनानुसार उनके अनुसार हमें अपना आचरण, अपने विचार और अपने कार्य विभाग करने पड़ेंगे, तभी हम एक अच्छे नागरिक या अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। ये हमें बुरे लोगों के संगत से मुक्त करना है, हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना है। जैसा कि एक बार में बताया गया है, तीर के अंदर मोती होता है और वही जो पानी होता है, पानी को जब दूध में मिला देते हैं तो वह दूध के समान दिखता है और जिनको वह अच्छी संगति पा गया है, जैसे मिश्री है, मिश्री भी कोई खास या लकड़ी की खास या धागा या कोई अन्य प्रकार का किसी पौधे का तिनका अंदर चला जाता है मिश्री बनाते समय, तो वह मिश्री के भाव ही दिखता है, अर्थात वह भी मिश्री के समान माना जाता है। तो ये सब क्या है, संगति का प्रभाव है। हम जैसी संगति करेंगे वैसे ही हमारे अंदर गुण पैदा होते हैं,
बड़े लोगों का साथ करेंगे, बुरे गुण उत्पन्न होंगे, अच्छे लोग का साथ करेंगे, हमारे अंदर सदगुण अपने आप आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अर्थात हमें अच्छी संगति करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम आपको बताएंगे इस पाठ के कुछ प्रश्न है जिनको हमने लिखा था, उसमें से अगला प्रश्न है हमारा नंबर 9 है। पिता ने बेटे को क्या खरीद कर लाने को कहा? बेटे को ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न में एक बेटा था जो जिद्दी था और वह माता पिता के समझाए नहीं मानता था। उन्होंने कुछ उदाहरण देकर, कुछ उसके सामने दृष्टांत दिखा करके उसे जो है समझाया, उसके बाद में समझ में आ गया। इसका उत्तर होगा
अच्छे से हो के साथ एक खराब टाइम मिला दिया और रात भर में ये दर्द दिया तो दूसरे दिन देखा गया वो सभी सिर खराब हो चुके थे। अर्थात संगति का प्रभाव है कि सभी से अच्छे थे फिर एक खराब सिर मिलाने से सभी सिर खराब हो गए। यही संगति का प्रभाव है। आप हमें अच्छी संगत करना चाहिए। जैसे आप संगत करेंगे उसी तरह से आपके अंदर
गुण आएंगे और आप वैसे ही बन जाएंगे। अच्छे लोग के बीच में रहेंगे आप अच्छे बनेंगे, खराब लोगों के बीच में रहेंगे तो आप खराब बनेंगे। क्या बच्चों, इस कहानी की शिक्षा है। और अब हम आपको अगले दिन इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। Thank you.